हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सेहत है भाई? ठीक है। तो जैसा कि अभी मैं आप देख सकते हैं, काम वाली जगह पे बैठा था, मेरा फ़ोन आज कर रहा है क्या, तो मैं ब्लॉग भी उन्हीं के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। अब देखो, अल्लाह ख्याल करे पता लगे पकड़ा ही ना हो जाए। तो शूट करना लाजमी था क्योंकि आज मैं लेके आया था एक माउस पैड RGB। ठीक है, RGB माउस पैड जो आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि ब्रेमबे को मैंने वादा किया था कि मैं आपको माउस पैड लेके दूंगा, बट अभी मैंने नहीं लिया था, मैं काम में थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने उनको अपना माउस पैड दे दिया था, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो आज मैं लेके आया हूँ RGB माउस पैड, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगा। गाइस, सीन कुछ ऐसे है ना कि वो माउस पैड मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं जाऊँगा ब्रेम भाई के पास, कोशिश करूँगा शूट कर सकूँगा, उनसे कहूँगा यार मेरा माउस पैड दे दो, मेरे से गेम नहीं खेली जा रही है कुछ, इस वजह से उनका रवैया काफ़ी चेंज होगा और उनको बहुत बुरा लगेगा। तो जब मैं उनसे अपना माउस पैड ले आऊँगा, तो फिर उसके बाद जब वो नहीं होंगे अपने रूम में, और मैं उनको ये माउस पैड लगा दूँगा उनके सिस्टम के साथ, और जब वो आगे सिस्टम ऑन करेंगे, इसकी लाइट टोन होगी, तो उनका रिएक्शन फिर देखने वाला होगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको माउस पैड दिखाता हूँ और लगा के चेक भी करवाता हूँ कैसा और क्या सीन है। ये जी आप देख सकते हैं, ये मेरा ऑफिस का सेटअप है, ये रहा माउस पैड हमारे पास, HyperX का गेमिंग माउस पैड है, ये इसके साथ वायर है। ठीक है, ये हम लगा लेंगे जी इधर, और एक सेकेंड, और जी भाई ये चेक करें इसके शीशे आप लोग, ओए 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 क्या कलर दे रही है भाई, क्या बात है। उसकी लेंथ चेक करें एक दफ़ा, साइज़ देखें, ये डबल स्क्रीन पड़ा हुआ है अलग है, और उसके आगे पूरे टेबल पे आया हुआ है। ठीक है, ये दूसरे भाई का सेटअप है, इधर हम अपना कीबोर्ड आराम से रख सकते हैं इस साइड पे, इधर माउस रख सकते हैं, इसकी सेटिंग में जाके इसकी लाइट चेंज हो सकती है, क्या पता इधर से भी कोई फंक्शन, हाँ चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, वो देखें ब्लू हो गई है, फिर चेंज किए येलो हो गया है, कोई मल्टी फंक्शनल भी होगी इसमें जो मूव करती रहे मे बी। एक मिनट, तो ये सीन है भाई। ठीक है, HyperX का लोगो भी बना हुआ है बड़े मज़े का। तो जैसे कि अभी मेरा क्लोजिंग टाइम है, तो अभी इसको पैक करते हैं, लेके निकलते हैं, लाइटें शाइटें बंद करते हैं रूम की, और वीडियो ले लेते हैं फ़ोन से, फिर आगे का व्लॉग आपको अपने फ़ोन पे शूट करके इसमें ऐड करके दिखाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, साथ रहिएगा। ये फिट हो गया, लग गया जी। अच्छा, मेरे दिल पर नहीं ये ना, इसकी लाइटें तो ऑन होती जब सिस्टम ऑन होता, वो जब सिस्टम ऑन करेगा ना लाइटें ऑन हो फिर वो हो रहा हो। लेकिन तू ये नहीं क्या, ये तू कोई तो हर लगा देते कंप्यूटर की, कंप्यूटर की पावर केबल लगा देते हैं। अच्छा, तो कहीं ऑन ही नहीं हो रहा क्या सिस्टम? झूठ बोलो, कहीं मैं ऊपर है सिस्टम नहीं ऑन हो रहा, बार बार झूठ बोलो। चल तुम मुझे बता दिया, मुझे तो नहीं सही, मतलब सारा सिस्टम का नहीं होता। ये देखो चलो बुला ले इससे पहले इसकी स्टोरेज मूव, फोन देख रहा हेलो हाँ भाई, यार भाई एक मिनट ऊपर आना यार एक मिनट, ये पता नहीं आई थी समझ आ रही, अभी समझ आ रही था ना। 2000 years later. क्या यार, मैं कह रहा था ये पन्नी से कवर कर दूं। इधर आना तो ऐसा कुछ हो गया ना कि ये मैं एडिटिंग नहीं समझ आ रही है, एक तो एडिटिंग हो जाए सिस्टम होता है मेरी बात, ये एडिटिंग से खोल अलग अलग होता है। हाँ, ये भी कुछ आगे भी चला रहा है भाई, कोई टाइम नहीं थोड़ा सा इतना कुछ क्या करते हो?
चल झूठा मैं वो कल हैंडल कर रहा हूँ ना, तो वो स्टोरेज की नहीं समझ मुझे आती, मतलब एक मिनट बैठना, वो मतलब मैं जब कर रहा था ना तो जैसे हैंडल होता है ना तो उसमें लिखा था कि पता नहीं डिस्प्लेस डिस्प्लेस में इतनी स्टोरेज नहीं है कि वो एडिटिंग मतलब जहाँ जिसमें हैंडल होता है ना स्टार इनकोड हो ही नहीं रहा था। अच्छा वो लिखा था डिस्प्लेस में इतनी स्टोरेज नहीं है, पता नहीं स्टोरेज क्लियर करें तो ये वो नहीं मुझे समझ आ रही थी, वो भी नहीं हो रहा था, ये बीच का भी नहीं समझ मुझे आ रहा ये। अच्छा तो वो फिर हो गया, मैंने नहीं दो चार चीजें मैंने कहा पता है कि किया था वैसे डाल दी थी समझ में हैंडल के बगैर डाल दी, लेकिन वो उसके पिक्सल काफी खराब थे। तो आप क्या हैंडल को हो गया पता नहीं समझ में मुझे, मैंने उसके बाद की तो नहीं ऊपर से ये आई भी तो है ये भी नहीं तो नबील लग गया मेरी पहले के जब मैं आया तो जवाब नीचे आए थे तो भी था जवाब नीचे आने में दम से ऊपर आके एक्टिंग करने लग गया। तो वो वीडियो में जिस पे एडिट कर ले वीडियो तो ये बड़ी नहीं है, लेकिन ये पहले हैंड ब्रेक एक बार निकाल के चेक करो, हैंड ब्रेक में पहले सही चल नहीं रहा था, हैंड ब्रेक में नहीं हो रही थी पहले, ये मैंने अब इस पे एडिटिंग में डाल के कर तो ली है, हैंड ब्रेक में नहीं हो रही थी समझ लो, मैंने वैसी वीडियो को जो ना उसमें डाल दिया था। चरस वरस तो नहीं पी रहा क्या बोला तुझे समझ आ रही है वो वीडियो थी ना उसको मैंने प्रीमियर में डाल दिया था हो गई थी, लेकिन उससे नहीं उठ दी हैंड ब्रेक से नहीं उठती समझ में, जब हो रही थी तो फिर मुझे क्यों जाए तो हैंड ब्रेक में नहीं हो रही ना, मैं ये कह रहा था आप कहां वो वीडियो दे ना तो मैं हैंड ब्रेक में डाल दूं, ये वीडियो वाला ऐसी आई नहीं लेकिन डाल के चेक कर लो, जब कोई भी आईडी तो फिर तू मुझे क्यों जाए यार, वो नहीं चल रहा था ना ये अपना हैंड ब्रेक कल भी नहीं चल रहा था, तो गाइस अभी सीन कुछ ऐसा है ना कि इब्राहिम भाई जो है ना वो आपने देखा है कि वो देख के चले गए, उनका इतना खासा ना रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कैमरा सेटअप करते हैं दोबारा से, उन्हें दोबारा बुलवाते हैं या उनके आने का वेट करते हैं, कि मतलब उसने उठा के अंदर रख दिया, कुछ मज़ा सा ना आया, उसने लगा के चेक भी नहीं किया उसका, यानी दिमाग नहीं काम किया या क्या, तो वो देखते हैं कोई सीन बनाते हैं कि वेट करते हैं क्या पता शाम को है थोड़ी देर बाद है, क्योंकि अब बुलाया तो वो समझेगा, तो जब वो लगाएगा चेक करेगा वो सब ना, तो हम तब तक इधर ही बैठे हैं ज़रा चिल मिल मारते हैं, सैवी भाई को भेजा चीज़ें शीज़ें लेने, तो फिर आगे का रिएक्शन रिकॉर्ड करके पूरा व्लॉग आपको दिखाते हैं। माउस पैड तो चेक करो पड़ा हुआ है कि नहीं, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, ये क्या भाई लाया था मेरा पीसी खराब हुआ और मैं तेरे कंप्यूटर पे लगा के चेक कर लू, तू खुश हो गया है प्रैंक, लेकिन ये हमने लिए वाकई सच में गिफ्ट किया, ठीक है थैंक यू एवरएक्स फॉर स्पॉन्सरिंग भाई, एवरएक्स का लैटो वाला अपने पास भी नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं मैं ले लूंगा वीडियो के बाद तो अब आगे आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, साथ में इधर आए यार आपने इतना साथ दिया वीडियो में
तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।